मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 63 में जो भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उनको लेके डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन को समझना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कन्वर्ट करना है, डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे जिसमें दिया गया बेटा 8 days, क्लियर, और आपको इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि 1 day इज इक्वल टू 24 hours। क्लियर। तो हमें जब 1 day का पता है तो हमें 8 days का निकालना है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब 8 days का जब निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 8 × 24 कर लेंगे और यहाँ पे आवर्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर आपको 1 day का पता है तो 8 days का निकालने के लिए आप 8 × 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आवर्स में आ जाएगा। 8 × 4 = 32, 8 × 2 = 16 एंड 16 × 3 = 19। सो 8 days इज इक्वल टू 192 hours। तो ये मैंने आपको पहला एक प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे करना है। इसके बाद से इसी क्वेश्चन नंबर 1 में या इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर देखें। अगर दिया गया बेटा ई, ही हैज गिवन बेटा 11 days 11 hours, क्लियर, और आपको इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान समझिए कि ऑलरेडी आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि 1 day इज इक्वल टू 24 hours। तो यहाँ पे जब आप इसका सोल्यूशन दे रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या करें, 11 में आप 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपके पास पहले से 11 आवर्स ही दिया हुआ है, इसको आपको ऐड कर लेना होगा। और यहाँ पे आप ब्रैकेट में रीजन मेंशन कर दीजिएगा कि 1 day इज इक्वल टू 24 hours। अब यहाँ पे देखो 11 × 4 = 44 एंड 11 × 2 = 22 एंड कैरी 4 जोड़ लीजिए तो 26 हो जाएगा आवर्स प्लस 11 hours, ऐसे आप कर लें। अब यहाँ पे 264 है और 264 में ये 11 आप ऐड कर लें तो 4 × 1 = 5, 6 × 1 = 7 और ये हो गया 2। तो ये हो जाएगा 275 hours। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप ई आपने देखा कि इसको कैसे लगाते हैं। अब जरा हम लोग कुछ दूसरे प्रॉब्लम को लेके डिस्कस करेंगे और वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन को समझेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। इन क्वेश्चन नंबर 2 हैज बीन गिवन बेटा, देखो इसमें सेकंड में जो प्रॉब्लम दिए गए हैं इनको जो भी डिस्कशन होगा वो चूंकि मिनट्स के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे देखो पहला प्रॉब्लम दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ ए। यहाँ पे देखो बेटा दिया गया है क्या कि 10 hours दिया गया है और आपको इसको मिनट्स में लेके इसका कन्वर्ट करना है। क्लियर, कि मिनट्स में इसका आंसर क्या आएगा। तो इन्फॉर्मेशन हमेशा ये याद रखिए कि 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes होता है बेटा। तो यहाँ पे अब आपसे 10 hours का पूछा जा रहा है तो जब आप सोल्यूशन दे रहे हैं तो आप क्या करें, 10 × 60 कर लें और यहाँ पे मिनट्स लिख लेंगे। लेकिन ये मेंशन जरूर करें कि 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं। नाउ 10 × 60 यू गेट व्हाट, 600 minutes। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आपका कंप्लीट हो गया है। अब जरा ये प्रॉब्लम अगर आपको दे दिया जाए डी में, देखिए बेटा सारे क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप में नहीं बताऊंगा मैं आपको, बस बेसिक चीजों का कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। अब यहां पे देखो सी में देखो दिया गया बेटा 3 days है, 12 hours है और 25 minutes है। तो यहाँ पे अब आपको इसका आंसर इसका मिनट में देना है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या करिएगा कि
पहले जब आपको आंसर इसका मिनट में देना है तो पहले आप डे को जो है आवर में लेके जाइए, तो डे को आवर में लेके जाओगे तो इसके लिए आपको 24 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आवर से मिनट में जब जाना होगा तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मिनट से सेकेंड में जब जाना होगा क्लियर, तो मिनट से सेकेंड में जाने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक रूल आप थोड़ा सा दिमाग में जरूर रखिएगा कि अगर डे है और डे को अगर आपको मिनट्स या सेकेंड तक अगर आपको जाना है तो पहले डे को आवर में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में क्लियर। अब आवर्स में कन्वर्ट होने के बाद इसको आप मिनट्स में लेके जाइए, उसके लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आंसर सेकेंड में पूछता है तो मिनट से सेकेंड में जाने के लिए आप 60 से आप मल्टीप्लाई कर दें। तो अब यहाँ पे देखो 3 डेज है क्लियर, तो पहले हम इसको आवर्स में लेके जाएंगे तो इसके लिए हमें 24 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम आवर्स से किस में जाएंगे, मिनट में जाएंगे, तो इसके लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जो 3 डेज है इस 3 डेज को मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो पहले क्या किया मैंने, डे से मैं आवर्स में गया तो इसके लिए मैंने 24 से मल्टीप्लाई किया, और आवर्स से मिनट में जाने के लिए मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब ये चीज़ तो पूरी हो गई, ये मिनट में आपका आंसर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो 12 आवर्स दिया गया है, तो अब आवर्स से मिनट में जाने के लिए 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 12 में हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट्स में चला जाएगा। अभी इसके बाद देखो इसमें भी अलग से 25 मिनट दिया गया, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, बस आपको ऐसे लिख लेना है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें, तो 25 मल्टीप्लाई 3 यहाँ करोगे तो 72 होगा। अब 72 में आप 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6 2 12, 6 7 42 and 1 43, ये 0 आप यहाँ लगा लें तो ये हो जाएगा 4320 मिनट्स। उसके बाद से इसको अगर आप कर रहे हो मल्टीप्लाई तो ये हो गया आपका 720 मिनट्स, और ये प्लस 25 मिनट्स। अब आपको क्या करना है, सबको ऐड कर लेना है, तो आप ऐड कर लीजिए 4320 720 और ये 25। इसको अगर आप ऐड करते हो तो क्या मिलता है, 5 2 2 4 2 6 3 7 10 and 4 and 1 5, इट मीन्स 5065 मिनट्स होगा। तो यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे वो होगा 5065 मिनट्स। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग में आप रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट ये रहेगा तो आप प्रॉब्लम सब लगा लोगे आसानी से। चलिए अब जरा हम लोग देखते हैं कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स, ठीक है, उनको आप समझिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या प्रॉब्लम दी गई है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड में प्रॉब्लम ये दिया गया बेटा कि कन्वर्ट, अब यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उनको आपको सेकंड में लेके जाना है। तो चलिए देखते हैं, दिया गया है 9 मिनट्स इंटू सेकेंड्स, 9 मिनट्स है सेकेंड में आपको लेके जाना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहला देखो, अब यहाँ देखो मैंने जो ये फॉर्मेट बनाया है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखो जब मिनट्स में है और सेकंड में जाना है तो आप क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देना, क्लियर। तो यहाँ 9 मिनट्स दिया गया है तो आप यहाँ पे क्या करें कि 9 में आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे 9 into 60 कर ले तो ये हो जाएगा 540 सेकेंड। तो ये मैंने आपको चीज़ मैंने आपको समझा दी कि कैसे करना है। अब जरा इस तरह का अगर प्रॉब्लम आपको दे दिया जाए, चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें आप, वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है लेकिन मेरा प्रयास ये है कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ क्लियर रूप में आपको समझ में आ जाए। अगर मान लो इस तरीके से दिया जाए, डी ही देख लो, इसमें दिया गया है 3 आवर्स
25 मिनट्स और 16 सेकंड्स दिया गया है। और आपको क्या करना है कि इसके आंसर को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखो ऑलरेडी आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ देखो आपको करना है किसमें, सेकंड में कन्वर्ट। तो यहाँ पे तो पहले 3 आवर्स दिया गया है, तो जब आप सॉल्यूशन जब आप दे रहे हो तो पहले क्या करो, इस आवर्स को सेकंड में कैसे लेके जाओगे, देखो 3 ये लिख लो बेटा, आवर्स से हम पहले मिनट में जाएंगे, मिनट्स में तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मिनट से सेकंड में जाने के लिए दोबारा हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ देखो 25 मिनट्स हैं तो 25 लीजिए, और मिनट से सेकंड में जाने के लिए आप क्या करें, सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लास्ट में देखो इसमें 16 सेकंड्स दिया गया है, तो इसमें कोई चेंजिंग करनी नहीं है। अब यहाँ देखो 3 × 60 ये हो गया 180, और 180 का मल्टीप्लाई भी आपको 60 से करना है, तो 86 होता है 108, और ये 2 जीरो आप लगा लो आप, तो ये हो जाएगा बेटा 10,800 सेकेंड्स हो जाएगा। और इसको अगर आप करते हो तो 25 × 6 करोगे तो ये हो जाएगा 150, और इसमें एक जीरो ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 1500 सेकेंड्स हो जाएगा, अब प्लस 16 सेकेंड्स। अब आप इसको आप ऐड कर लीजिए, सो यू गेट हियर व्हाट, देख लो 10,000 ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी ये दिया ही हुआ है, लिखा हुआ है मैंने, इसी में मैं 1500 प्लस कर लेता हूँ, ये मैंने 1500 प्लस किया और ये 16 को भी मैंने प्लस किया, तो मुझे आंसर मिलेगा 6 1 8 5 13 1, यहाँ पे कैरी मिलेगा 2 और ये हुआ, तो ये आंसर का होगा बेटा 12,316 सेकेंड्स, यानी इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मैंने 3rd तक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मैंने तरीका मैंने आपको समझा दिया है कि आपको कैसे करना है। तो आप पहले इतने क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद से अगले वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।